कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बयान देने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस इस बयान से आग बबूला है और आज दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह रवनीत सिंह बिट्टू के पुतले फूंकने के साथ दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेस नेता अजय माकन ने पुलिस स्टेशन में रवनीत सिंह बिट्टू समेत चार नेताओं की शिकायत दर्ज की है। मामले ने कहां तूल पकड़ा ये भी आपको बताएंगे। पहले रवनीत सिंह बिट्टू के उस बयान को सुनिए जिस पर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन किया। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे, अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है जो सबसे जो माहिर है बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर आज कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई स्थानों पर जारी प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगातार विवादित टिप्पणी की जा रही है। हाल ही में भाजपा नेता तरविंदर सिंह पर राहुल गांधी को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पहले उनका ये बयान सुनिए। राहुल गांधी आज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। तरविंदर सिंह के इस बयान को लेकर भी कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और बीजेपी का पुतला दहन किया। इसी के साथ उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में जिसके पिता ने जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी। राहुल गांधी ही क्यों इनके टारगेट पे सवाल पूछ रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी इसलिए क्योंकि वो अकेला राहुल गांधी 2024 के चुनाव पर भाजपा पर भारी पड़ गए। सदन हो, सड़क हो, देश हो, विदेश हो, भाजपा के नफरत की राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं के इन विवादित बयान पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। चलिए जानते हैं आखिर मामला शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिकी दौरे पर थे। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में उनका विरोध हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि रवनीत सिंह अपने बयान के लिए माफी मांगे। अब देखना होगा बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन क्या रूप लेता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।